नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कमल और इस वक्त मेरे खास मेहमान हैं पूर्व सेना अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री जनरल वी के सिंह। मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला टीवी इंटरव्यू है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका एयरफोर्स वन जहाज भारत में कुछ ही देर में लैंड करने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपकी अमेरिकी राष्ट्रपति की इस अहम यात्रा से? देखिए, एक चीज जो हमको समझनी चाहिए, हमारे और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनके अंदर काफी विसंगतियां रही हैं। कई ऐसी चीजें रही हैं जो इधर भी हो सकती हैं उधर भी हो सकती हैं। कुछ राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन्होंने कोशिश की है कि भारत के साथ रिश्तों को सर्वोच्चता दी जाए। मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजिक दृष्टि से यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए ये जरूरी है कि भारत के साथ रिश्तों को सर्वोच्चता दी जाए और उसके अंदर उसमें से हमको क्या मिलेगा, हम उनसे क्या लें, वो ना सोचा जाए, क्योंकि ये उनके लिए एक फायदे की चीज है। दिक्कत ये आती है कि जब हम सोचने लगते हैं कि मैं इनको अगर ये दूंगा तो ये मुझे क्या देंगे, अगर ये रिश्ता ऐसा रहा तो उसके अंदर दिक्कत है। मेरा मानना है कि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि हमारे मेहमान बनकर आ रहे हैं हमारे गणतंत्र दिवस पर, उनसे काफी उम्मीदें हैं और शायद जो चीजें हम सोच रहे हैं, जो एक तालमेल की बात सोच रहे हैं, देखिए ये नहीं कि वो हमको क्या देकर जाएंगे या हम उनसे क्या मांगेंगे, लेकिन जो एक विचार विमर्श के अंदर एक चीज उभर के आए जिसके ऊपर दोनों देश चल सके, जिसमें हमें लगे कि हमको सर्वोच्चता मिल रही है रिश्तों के अंदर, उनको लगे कि उनके स्ट्रेटेजिक तौर पर उनको अंत में फायदा मिलेगा, अगर ये दोनों के बीच में हो जाता है तो इससे बढ़कर कोई चीज। कितनी बड़ी गर्व की बात है ये हिंदुस्तान के लिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, भारत की रिपब्लिक डे परेड को देखेगा, भारत की सेना मार्च करेगी और ऑडियंस में बैठा होगा अमेरिकी राष्ट्रपति। देखिए, गर्व की बात है क्योंकि आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हमारा मेहमान बनकर नहीं आया, पहला राष्ट्रपति आ रहा है। कुछ इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जब वहां पर गए तो दोनों के बीच कुछ तालमेल पैदा हुआ, कुछ विचारों की समानता हुई, जिसके कारण उन्होंने ये न्योता स्वीकार किया। और इसलिए एक अच्छी बात है कि वो इधर आ रहे हैं, एक सिग्नल है कि देखिए हम भारत को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से पहले पाकिस्तान ने जमातुल दवा, जिसके चीफ हैं हफीज सईद, उसको बैन किया। ये मांग भारत बहुत सालों से कर रहा था, अब आखिरकार ये बैन हुआ। क्या आपको लगता है कि केवल प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है ये पाकिस्तान द्वारा, या आपको लग रहा है कि वाकई में इस्लामाबाद की नीयत इस फैसले के बाद बदलेगी? देखिए, नीयत का तो कुछ समय के बाद पता चलेगा, अच्छी शुरुआत है मैं ये कहूंगा, क्योंकि जमायतुल दवा को पहले सरकारी संरक्षण मिला है, सरकारी मदद मिली है। हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि अगर पाकिस्तान सही मायने में दुनिया भर में जो आतंकवाद फैला हुआ है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहता है तो उसको अपने देश के उन सब संगठनों के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी जो आतंकवादी हैं या जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि मई के बाद भारत बदल गया है, अब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वो एक गोला दागते हैं तो हम 10 दागते हैं। कांग्रेस पूछती है कि बदला क्या है, पहले भी तनाव था, पहले भी आतंकवादी चिप चिप के भारत में आते थे, पहले भी हमले होते थे, अभी भी हो रहे, क्या बदल दिया आपने? देखिए, जब हम बदलाव की बात करते हैं हम उस बदलाव की बात करते हैं कि देखिए हमारी सहन शक्ति की एक सीमा है। अब तक क्या था, हमारी सहन शक्ति लचक थी, ठीक है आप एक हमला कर लो, अच्छा आगे से मत करना, अगले दिन दो हमले कर लो, अब की बार नहीं करना। मेरे ख्याल से ये बदल गया और ये समझने की बात है, जो दूसरी तरफ है उसको समझ में आ रहा है कि चीजें बदली हुई हैं। अब हमें कैसे, आप ये कहते हैं कि चलिए हम भी हमला करते हैं, अगर वो हमला करते हैं मान लिया, पर फिर भी हमले हो रहे हैं। देखिए, हमले की बात नहीं, देखिए होता क्या है, जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल का सवाल है और जहां तक सीमा का सवाल है वहां की डायनेमिक्स अलग तरह की होती है, लेकिन जब
हम ये कहते हैं कि अगर वो कुछ कर रहा है जिससे हमको नुकसान हो रहा है, हम उसके खिलाफ दुरुस्त सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करेंगे, वो उनको समझ में आता है। कुछ दिन उनका ये चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। नहीं, पर अभी तो बातचीत के दरवाजे बंद हैं और आपकी सरकार पर आरोप लगता है कि बहुत ही जल्दी हुर्रियत के मुद्दे पर यह फैसला लेते हुए बगैर दूर तक सोचे हुए मोदी सरकार ने यह फैसला ले लिया और अब भारत और पाकिस्तान के दोनों नेता मुंह फुला के बैठ गए हैं। बातचीत हो नहीं रही और रिश्ते तो सुधर सकते थे, वो सुधर नहीं रहे और बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए कंवल, 40-50 साल से हुर्रियत बात कर रहा है, हम अपने आंख कान नाक बंद करके बैठे हुए हैं, क्यों बात कर रहा है? हमारे देश की संस्था है, हमसे बात करे, वो पाकिस्तान से बात करके क्या करेगा? पाकिस्तान का उसमें क्या है? तो ये चीज हमको पहले समझनी चाहिए थी। और जो लोग, और खासकर सियासत के अंदर अगर लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो वो नासमझी की बात कर रहे हैं। हुर्रियत को पाकिस्तान के राजदूत बुलाएं, दावत दें और वो वहां जाएं और उसके बाद हम कहें कोई बात नहीं, इनको थोड़ा सा और खिलाओ पिलाओ, इनको और इनकी सेवा करो, हम फिर भी आपसे बात करेंगे, गलत है। पर यही तो वाजपेयी जी के वक्त पे भी होता था, आडवाणी जी मिलते थे हुर्रियत के नेताओं के, तो बीजेपी के ही बड़े नेता हैं। देखिए, इसीलिए अब चीजें बदल गई हैं, अब चीजें बदल गई हैं और बदली इस तरीके से कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कभी भी बातचीत के लिए एक माहौल ठीक तैयार होना चाहिए, अगर माहौल ठीक नहीं है तो उसमें बातचीत का कोई फायदा नहीं। तो हमने देखा है पीछे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने माहौल को ठीक बनाने की कोशिश नहीं की। और हम यही कहते हैं कि जिस माहौल के अंदर बंदूकें चल रही हों, तोपें चल रही हों, बम फट रहे हों, उस माहौल में बातचीत नहीं हो सकती, दोनों की बातें सुनाई नहीं देती, मोदी जी ने कहा। तो ये माहौल तैयार करने के लिए जरूरी है कि इन सब चीजों को अंत के अंदर एक ऐसी दिशा दी जाए जिससे जब बातचीत हो तो सकारात्मक हो। अब तक चर्चा हुई पाकिस्तान की, आप देखते हैं वो इलाका जहां पर चीन भी है, चीन पर होगी चर्चा। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। जब चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती के किनारे झूला झूल रहे थे तब चीनी सेना भारत की सरजमी पर आ गई थी, ये मनमोहन सिंह के वक्त भी हुआ करता था, अब आपकी सरकार में भी हो रहा है, क्या बदला है? देखिए, जहां तक चीन के साथ सवाल है, सीमा का एक तरीके से ना तो उसके बारे में नक्शे एक दूसरे के पास है, ना उसको किसी तरीके से गठित किया गया है जमीन के ऊपर। हम अभी भी 1959 के चाउन लाई जी के एक नक्शे को, जो इस किताब के बराबर से, इस किताब से भी छोटा था, उसके ऊपर चल रहे, जिसमें दोनों के बीच में फर्क होना लाजमी है। वो सोचते हैं कि उनकी लाइन यहां तक है, हम सोचते हैं हमारी लाइन वहां तक है। जब वो अपने उस तक आने की कोशिश करते हैं, हम उनको रोकते हैं, और हमारे यहां उसको बोला जाता है वो हमारी जगह पे घुस गए। किसी को नहीं पता कि क्या जगह, तो हमारी पूरी एक्साइज चीन है, तो पूरे एक्साइज चीन के अंदर भी घुसे हुए। समझने की चीज ये है कि कुछ लोअर लेवल पर हो सकता है कि इस चीज का वो उपयोग कर रहे हों ये टेस्ट करने के लिए कि कहां तक वो जा सकते हैं, जहां पर वो बाद में कहें कि ये हमारा इलाका, और इसीलिए उनको रोका जाता है। जरूरी बात यह है कि जब चीनी राष्ट्रपति आए थे तब हमारी तरफ से उनको बताया गया है कि इन चीजों से सद्भाव और शांति सीमा के ऊपर नहीं बनती है, और तब से अगर आपने देखा होगा कमी है। और मेरा अपना मानना यह है कि ये कमी और होगी और इसके अंदर हमको कुछ और बातचीत करनी पड़ेगी बॉर्डर लेवल पर, जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है ताकि कहीं कोई आपस के अंदर गलतफहमी ना पैदा। आपको कमी नजर आ रही है अभी से कि जब से मोदी जी की बात हुई? देखिए, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, खासकर लद्दाख के अंदर जिस तरीके से हुई है, उनके अंदर फर्क है चीनी राष्ट्रपति के दौरे के बाद से। इस वक्त दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि आईसीएस एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है, और चर्चा हो रही है कि क्या भारत को भी आईसीएस के खिलाफ जो एक ग्लोबल वॉर लड़ी जा रही है उसमें अपनी सेना को खड़ा करना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय? देखिए, आईसीएस के ऊपर
अभी तक आम राय जो है सब देशों के बीच में नहीं बनी है कि उसका मुकाबला कैसे करना है। खतरा है, सब जानते हैं। एक फंडामेंटलिस्ट, एक बहुत ही क्रूर, और एक ऐसा संगठन तैयार हुआ है जिससे खुद बहुत से देश जो जिनके अंदर जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं वो भी उससे डरते हैं। तो ऐसे उसके अंदर एक आम सहमति से कैसे इसका मुकाबला किया जाए, क्या प्रतिक्रिया होगी, वो जब तक नहीं इसका फैसला होता तब तक ये कहना कि हमारी सेना जाए या ना जाए ये अभी कहना नहीं, पर मूलतः जहां तक सिद्धांत का सवाल है, क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड होने चाहिए, क्या हमारी सेना को हमें इन प्रिंसिपली अलाउ करना चाहिए? देखिए, हमारी एक नीति रही है, हम सिर्फ एक झंडे के नीचे अपनी सेना को भेजते हैं, वो है यूनाइटेड नेशंस। हम किसी और के झंडे के नीचे अपनी सेना नहीं भेजते। तो अगर यूनाइटेड नेशंस फैसला करता है कि इसको यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन चैप्टर 8 के नीचे इसको आप मुकाबला करेगा, भारत की सेना जा सकती है। मनोहर पर्रिकर जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री था जिसने भारत के डीप एसेट्स, कोवर्ट एसेट्स, जो हमारे स्पाइज होते हैं जो कि दूसरे देशों में काम करते हैं, वो जितनी भी हमारी तैयारी थी उस तैयारी को उन्होंने ठप कर दिया, हमारे डीप एसेट ऑपरेशन को उन्होंने बंद कर दिया। कांग्रेस कह रही या तो नाम बताओ या फिर इस बयान को वापस लो। ये चर्चा खूब हुई है कि किस तरीके से इंदर कुमार गुजराल ने ये ऑर्डर दिया और जो हमारे कोवर्ट एसेट्स थे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, बाकी देशों में हो, बंद हो गए। क्या ये कहना ठीक है और जो कांग्रेस चार्ज लगा रही है उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस आज की तारीख में इतनी हताश है कि उनको कोई भी मुद्दा मिल जाए उसके ऊपर वो कई बातें करती है। एक ही नहीं, कई प्रधानमंत्री हमारे ऐसे थे जिनकी कारण उन सब चीजों के ऊपर रोक लगी जिससे हमको फायदा हो सकता था। हर देश कुछ ना कुछ करता है अपनी रक्षा के लिए। कुछ चीजें हुई हैं जिनके बारे में पिछले 2 साल के अंदर जिक्र हुआ, जो एक हमारी एक कैपेबिलिटी थी उसको खत्म कर दिया गया। जब तक आपके पास कैपेबिलिटी नहीं होगी दूसरा जानता है, या अगर आप उस कैपेबिलिटी को उजागर कर देंगे तो भी नुकसान होता है। इसलिए किसी का कहना कि ये नाम लो, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर जो लोग बाग इसका विश्लेषण करते हैं वो कहेंगे अच्छा ये पीरियड था, इसके अंदर ऐसा हुआ, इसके बाद ऐसा हो रहा है, फला आदमी ये, तो उसको आसानी हो जाती है आपने जो भी संरचना की है उसको तोड़ने। पर अब सवाल ये उठा चुनाव से पहले कि दाऊद इब्राहिम जिंदा क्यों है, कि हफीज सईद के खिलाफ हिंदुस्तान क्यों नहीं कार्रवाई करता, कि ओसामा बिन लादेन का अमेरिका ने ऑपरेशन किया अबोटाबाद आके, ऐसा हिंदुस्तान अगर क्लिफ्टन रोड पे ही रहता है कराची में, दाऊद जो रिपोर्ट हमें हर बार आईबी से रॉ से मिलती रहती है, तो हिंदुस्तान में वो मादा क्यों नहीं कि हम जाके दाऊद को ठिकाने लगा दें? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को भी वो क्षमता बनानी चाहिए? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि कई लोगों के नीचे हमारी क्षमता पर आघात हुआ है। क्षमता को दोबारा खड़ा करने में बहुत समय लगता है। एक बार जब क्षमता आपके नीचे चली जाती है उसको जब तक आप दोबारा बनाएंगे कई वर्ष लग जाते हैं। मैं सोचता हूं कि जो अपेक्षाएं हमारी सरकार से हैं और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हैं, वो अपेक्षाएं जरूर पूरे तरीके से साबित होंगी और उतरेंगी, थोड़ा समय लगेगा। इन सब चीजों के अंदर कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं की जा सकती, हर चीज को विवेक से, हर चीज को युक्ति संगत तरीके से, हर चीज का विश्लेषण करके, ताकि जब आप काम करें तो उसमें आपको फायदा मिले ना कि आपको उससे नुकसान। तो आप कह रहे हैं बच के रहना दाऊद, मोदी सरकार की। मैं तो हमेशा कहता हूं कि दाऊद को बच के ही रहना चाहिए। वो तो बच के ही रहता है लेकिन उसको बचाना बड़ा आसान है क्योंकि आईएसआई का संरक्षण उसे प्राप्त है। मेरे ख्याल से इस चीज को तोड़ा जा सकता है। ये बताएं सर कि इस दफा जो रिपब्लिक डे परेड होने वाली है, पहली दफा एक महिला कंटिंजेंट मार्च करेगा इस रिपब्लिक डे परेड में, देश की महिलाओं के लिए बड़ी बात है और देश के लिए बड़ी बात है कि महिलाएं आ रही हैं फोर्स में और मार्च करेंगी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। देखिए, महिलाएं फोर्स के अंदर कई सालों से आ रही हैं। हमेशा गणतंत्र दिवस पर जब परेड होती थी तो क्योंकि एक परेड की संरचना है, रेजिमेंट की है या नेवी की है या एयरफोर्स की है, उसके अंदर महिला अधिकारी होती थी,
या सीआरपीएफ की कुछ कई बार महिला का कि हाँ जी हमने अभी एनरोल किया तो हम दिखाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि महिला सशक्तिकरण दिखाया जा रहा है देश को, क्योंकि एक बड़ा वायदा हुआ था उसी रैली में जिसमें आप थे प्रधानमंत्री द्वारा, वन रैंक वन पेंशन को लेकर। अब कई महीने हो गए आपकी सरकार को, अभी भी देश में जो सेना के जवान हैं, अफसर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वादा पूरा कब होगा, उनके अच्छे दिन कब आएंगे। देखिए मैं पहले तो ये कहूंगा कि मुझे अपने माननीय प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने वायदा किया है वो पूरा होगा। ये चीज सुन ली, ये चीज राष्ट्रपति जी के भाषण में थी जब पार्लियामेंट शुरू हुआ नई सरकार का, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये पूरा होगा, और कई जगह उन्होंने बोला। जो इसके ऊपर चिट्ठी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन लेटर है, वो तैयार है, लेकिन वो रुकी इसलिए हुई, और पिछले 6-7 महीने से तैयार है लेकिन वो रुकी, जारी कीजिए फिर। हाँ, लेकिन वो रुकी इसलिए हुई है कि कोई ना कोई इस इंतजामिया उसके अंदर, या कैलकुलेटिंग वाले जो हमारे ऑडिटर अकाउंट्स वाले हैं, वो कोई ना कोई उसके अंदर, ये तो बहाना हुआ। नहीं देखिए, बहाना जो है सरकार का नहीं है, मेरा अपना मानना है कि हमारे रक्षा मंत्री ने भी यही कहा है कि ये चिट्ठी निकलेगी, हमारे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग उनसे मिले थे, उन्होंने उनको वायदा दिलाया है फलां तारीख तक ये निकल जाएगा। जनरल वीके सिंह, आपने हमें वक्त दिया इसके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जनरल वीके सिंह से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।